नमस्कार यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 08 के साथ। रतलाम जिला ब्यूरो भैरूलाल मालवी की रिपोर्ट। जारा तहसील की सड़कों की हालत इतनी खस्ताहाल है कि बारिश के चलते सड़कों पर गड्ढे नजर आते हैं, लेकिन जिम्मेदार नगर पालिका अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने कोई सुध नहीं ली है। जब बारिश के चलते गड्ढे भरी सड़कों पर आवागमन प्रभावित होने लगा तो जनता ने सोशल साइट पर शिकायत डालना शुरू कर दी, जिसके चलते सड़कों पर मरम्मत के लिए गड्ढे भरवाए गए। अब उन्हीं सड़कों पर कंकर मटेरियल डलवाने के कारण बारिश बंद होने पर धूल के गुब्बारे नजर आने लगे हैं। दुकानों के बाहर धूल से व्यापारी परेशान, वहीं राहगीर व आम जन भी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं। धूल से परेशान व्यापारियों द्वारा नगर पालिका में मौखिक शिकायत के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बहरहाल सड़कों से परेशान जनता के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ स्टेशन रोड पर धूल को लेकर क्या समस्या है? सब देखा है, आप जैसे देख रहे हैं अभी पानी बारिश बंद हुई है जी, और अभी काफ़ी कम से कम पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है यहाँ पे। पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक धूल से भरा रहता है, बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ की जो व्यापारी वर्ग है वो भी परेशान है, सबको बीमारियों ने जकड़ रखा है, एलर्जी हो रही है सभी को, और जो राहगीर निकल रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं चक्कर में। तो धूल कितने दिनों से उड़ रही है? 20 दिन हो गए, जब से पानी बंद हुआ उसके बाद से धूल शुरू हो गई है। पानी इसकी शिकायत आपने नगर पालिका में करी? नगर पालिका ने लिखित में बोला लिखित में नहीं थी, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका?